पहली गेंद का डॉट बॉल, कोई रन नहीं मिलेगा। अरे मैम ने समझा भी बांधो नहीं, क्लच चेंज करी नाखो, कांदे चेंज करी नाखो, लोका शांति करे लो। अरे एमए को शांति रखे बांधो नहीं, उड़ो एमए को ओली ओला ने गड़े के मम्मी नदी पाव तू ने ओली जगह ना रावे जने एमए को दही जो ओला ने गड़ी काय बांधो नहीं समझता ना। इसी के साथ पहली विकेट के रूप में यश ठाकुर आउट होते हुए दूसरा बैट्समैन आ रहा है अमित जनानी, जो कि स्ट्राइकिंग एंड पे आएंगे। काफी तूफानी बैट्समैन है अमित, यहां से हमको छक्कों की बारिश मिल सकती है। और पहली विकेट का पतन होते हुए यह शैलेश ने पहली विकेट निकाल के दी है। अच्छा, और इसी के साथ बागेश्वर वाइड अगली गेंद डालते हुए शैलेश, बल्ला घुमाते हुए मीत, लेकिन कोई रन नहीं मिलेगा, बाल बाल बचे हुए। हाँ, अगली गेंद डालते हुए शैलेश, इसी के साथ मीत ने अपना खाता खोल दिया है और स्कोर बढ़ता हुआ 3 रन। आखिरी गेंद इस ओवर की शैलेश डालेंगे, सामना करेंगे कुणाल। इस ओवर की आखिरी गेंद और कुणाल ने बल्ला घुमा दिया है, एक ही रन मिलेगा। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, स्कोर बढ़ता हुआ 4 रन, एक विकेट के नुकसान पे स्ट्राइक पे आएंगे कुणाल। और एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 4 रन, एक विकेट के नुकसान पे। केविन इंडिया के लिए यहां से स्कोर बढ़ाने का चांस है। अगली गेंद, अगली ओवर की पहली गेंद डालेंगे ओमकार, ओमकार डालेंगे कुणाल को और ये बल्ला घुमा दिया है कुणाल ने, ताबर चौ ब्रश छक्का, क्लीन सिक्स। पहली गेंद से ही छक्के की अपनी मंशा दिखा दी है कुणाल ने कि वो क्या करना चाहते हैं अपनी इस गेम को। दूसरी गेंद का सामना करेंगे और ये बल्ला घुमा दिया है, लेकिन कोई रन नहीं मिलेगा। इसी के साथ अगली गेंद डालेंगे ओमकार, सामना करेंगे कुणाल और ये डॉट कर दो, एक रन निकाल दिया है, सूद बहुत बड़ा शॉट कुणाल द्वारा। स्कोर मूव्स ऑन टू 11 रन्स, 11 रन, एक विकेट नुकसान पे। अगली गेंद का सामना करेंगे मीत, थोड़ी फील्ड में बदलाव, ओमकार डालेंगे मीत को अपनी अगली गेंद और ये मीत ने डॉट कर दिया है। काफी अच्छी सुदूरी बैटिंग का नजारा देखने मिल रहा है ओमकार ने और ये मीत ने बल्ला घुमा दिया है, अंपायर का इशारा, 6 रन, डाबर च्यवनप्राश छक्का। अगली गेंद डालेंगे ओमकार की, सामना करेंगे मीत और ये मीत ने बम कर दिया है 1 रन के लिए, ऑफ साइड में 1 रन मिलेगा। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 2 ओवर के बाद स्कोर हो गया है 18 रन फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। अगले बॉलर के रूप में आ रहे हैं भद्रेश बधू। अगली गेंद डालेंगे भद्रेश, सामना करेंगे मीत और ये मीत ने कर दिया है डॉट, उन्होंने मना कर दिया है अपने साथी बल्लेबाज को, बहुत ही सुदूरी कॉलिंग दोनों बैट्समैन के बीच में। अगली गेंद बधू की और ये बल्ला घुमा दिया है मीत ने, इसी के साथ कैच पकड़ा है पार्थ मलखान ने, बड़ी मछली फांस ली है रॉयल मेवरिक्स ने मीत जनानी के रूप में, मीत जो कि आउट हो गए हैं। अगले बैट्समैन के रूप में आ रहे हैं ऋषभ शाह, सामना करेंगे भद्रेश का और यहां से थोड़े पॉजिटिवली खेल रहे हैं रॉयल मेवरिक्स। भद्रेश अपनी अगली गेंद डालेंगे और ऋषभ ने डॉट कर गेंद घुमा दी है 1 रन के लिए, अपना खाता खोल लिया है मी और ऋषभ ने 1 रन चुराते हुए। स्कोर मूव्स ऑन टू 19 रन फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। अगली गेंद डालते हुए भद्रेश, सामना करेंगे रुनाल और ये सूद बुधबरी सिंगल ले ली है,
एक रन चुराते हुए, स्कोर बढ़ता हुआ 20 रन। ऋषभ जो भी सामना करेंगे भद्रेश की अगली गेंद का, फील्ड में बदलाव, अगली गेंद डालेंगे भद्रेश और बद्दू का अगली गेंद, और ऋषभ ने बल्ला घुमा दिया है, एक रन मिल जाएगा। एक रन चुराते हुए स्कोर बढ़ता हुआ 21 रन। इस ओवर की आखिरी गेंद, सामना करेंगे कुणाल, तीसरी गेंद, तीसरी ओवर की आखिरी गेंद ये, और ये बल्ला घुमा दिया कुणाल ने, एक रन के लिए भाग चुके हैं, एक रन से ही संतोष होना पड़ेगा। फील्डिंग बाय प्रसाद, ओवर आफ्टर द एंड ऑफ थ्री ओवर, स्कोर मूव्स ऑन टू 22 रन फॉर द लॉस ऑफ टू विकेट्स। इस आखिरी ओवर, तीसरे ओवर में सिर्फ चार रन आए और एक बड़ी विकेट की पतन हो चुकी है मीत जराने के रूप में। अगली ओवर डालने आ रहे हैं आमिर, यहां से अगर केविन इंडिया को अच्छा स्कोर बनाना है तो उन्हें अपनी स्कोरिंग की स्पीड को बढ़ाना होगा। 22 रन हो गए हैं तीन ओवर की समाप्ति के बाद केविन इंडिया के, अगर उन्हें अच्छा स्कोर खड़ा करना है तो उनको आखिरी 18 गेंदें अच्छी खेलनी होगी। अगली ओवर की पहली गेंद डालते हुए आमिर, सामना करेंगे कुणाल, कुणाल ने छोड़ दी है अंपायर का इशारा, फेयर डिलीवरी। और इसी के साथ अपने अगली गेंद डाले कुणाल को, कुणाल ने बल्ला घुमा दिया है और ये कैच हो सकता था, काफी अच्छी कोशिश, अच्छी फील्डिंग पार द्वारा और अच्छी डाइव प्रसाद द्वारा और अच्छी थ्रो ओमकार द्वारा। इसी के साथ स्कोर 23 रन, 3.2 ओवर्स। अगली गेंद डालेंगे आमिर, सामना करेंगे ऋषभ, और ये ऋषभ ने गेंद बल्ला घुमा दिया है 6 रन के लिए, बीएसएनएल छक्का। और मैं माइक देना चाहूंगा हमारे साथी कमेंटर भावेश को। गुड मॉर्निंग एवरीवन, और कुणाल अपना डिफेंसिंग खेल खेलते हुए, और बहुत बढ़िया शॉट एक रन की तरफ कुणाल का। ऋषभ ऑन स्ट्राइक, आमिर बॉलिंग करते हुए, और ये बल्ले से एक रन आता हुआ ऋषभ का। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, स्कोर हुआ है 32, फोर ओवर्स कंप्लीट होने के बाद टू विकेट्स डाउन। और नए बॉलर आ रहे हैं, बॉलर आए हैं पार्थ मलकान, ऋषभ स्ट्राइक पर, पहली गेंद आते हुए एक रन ऋषभ का, और ये नो बॉल का इशारा अंपायर की ओर से। स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ, वेट वेट, स्कोर 34, और ये वाइड का इशारा, नो बॉल। और ये एक रन कुणाल की तरफ से, स्कोर बढ़ता हुआ 36। और ये आउट, ऋषभ आउट हुए हैं। और नए बैट्समैन भाविक, हाँ स्टार्ट 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 स्टार्ट
और ये वाइड का इशारा अंपायर की तरफ से, रन बढ़ते हुए और ये आउट। प्रसाद 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 नए बैट्समैन आते हुए, कैप्टन ऑफ द टीम कवीन, कवीन इंडिया के कप्तान, बहुत ही अच्छी बॉलिंग का प्रदर्शन करते हुए, बहुत ही सूझबूझदारी से बैटिंग करते हुए कवीन। इस ओवर के आखिरी दो गेंद बचे हैं और कवीन ने अपना खाता खोला है एक रन, स्कोर 38 चार विकेट पर आखिरी गेंद इस ओवर की, और ये तीसरी विकेट इस ओवर में। कुणाल प्रसाद प्रसाद ने अच्छी कैच पकड़ते हुए, कुणाल आउट होते हुए मिहिर आए हैं नए बैट्समैन, स्कोर 5 ओवर पर 38 रन, 38 रन इन 5 ओवर्स, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए। नए बॉलर बंटी, स्ट्राइक पर है कविन, कप्तान है कविन इंडिया के, और एक रन आते हुए कविन ने बहुत ही समझदारी से एक रन निकाला है। मिहिर आते हुए स्ट्राइक पर और मिहिर ने अपना खाता खोल लिया है एक रन से, बहुत ही समझदारी से बैटिंग की जा रही है कविन इंडिया की, 50 रन की उम्मीद है। देखिए आगे चार गेंद बची हुई हैं, एक रन आते हुए कविन की तरफ से। हेलो, और अब मिहिर स्ट्राइक पर, बहुत ही बढ़िया शॉट, 6 रन मीर की तरफ से, बहुत बढ़िया, और मीर ने अपना पहला छक्का देते हुए। और ये 4, मीर ने दो गेंदों में कविन इंडिया की टीम का रन का पूरा रुख बदल दिया है, 2 बॉल में 10 रन आते हुए, बहुत ही बढ़िया बैटिंग मीर की, बहुत ही बढ़िया बैटिंग, और स्कोर हुआ है 51, चलो 50 के पार करते हुए। आखिरी गेंद इस इनिंग की और आखिरी में एक रन लेते हुए, और ये मिहिर रन आउट, बहुत बढ़िया बैटिंग मिहिर की तरफ से, और कविन इंडिया की इनिंग्स की समाप्ति, स्कोर हुआ है 52 6 ओवर की समाप्ति पर, 54 सॉरी स्कोर 54 55 टू विन, अच्छा 54 टू विन, 54 टू विन, माफ कीजिए जा 53 टू विन है, एक रन के बाद दूसरे रन पर रनआउट हुए थे तो वो एक ही रन हुआ, 53 टू विन। और महाविक्स की तरफ से स्ट्राइक पर आते हुए प्रियल, और रनर अप में है
और रनर मितांश स्ट्राइक प्रियल संभालते हुए, और कविन इंडिया की टीम की ओर से पहली ओवर के लिए आए हैं मीत। मीत अपनी पहली ओवर शुरू करते हुए, प्रियल ऑन स्ट्राइक। दोनों ही टीम बहुत ही एक्सपीरियंस टीम है। पहली गेंद और प्रियल ने बहुत बारीकी और अच्छा थ्रो करते हुए, बहुत ही अच्छी कीपिंग करते हुए, लेकिन थोड़े से लिए रनआउट के लिए बच गया। और प्रियल ऑन स्ट्राइक, पहला बॉल डॉट जाते हुए, दूसरे बॉल पर कैच ड्रॉप होते हुए, बहुत ही बढ़िया बॉलिंग है मीत की, बहुत बढ़िया बॉलिंग। कैच छूटते हुए तीसरा बॉल, प्रियल ऑन स्ट्राइक, और ये प्रियल ने अपना खाता खोला है एक रन। मार्विक्स ने अपना इनिंग्स का खाता खोलते हुए एक रन, और ये हितांश ने अपनी विकेट खोते हुए कविन इंडिया को पहली विकेट की सफलता। स्ट्राइक पे पार्थ मलकान आते हुए, मीत की बहुत ही बढ़िया बॉलिंग की प्रदर्शन। और ये दूसरी बार कैच छूटते हुए पार्थ मलकान ने स्ट्राइक पर कैच छूटते हुए, मीत की बॉलिंग बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। यहां पर प्लेयर थोड़े इंजर्ड है। प्लेयर ऋषभ कैच पकड़ने की कोशिश में थोड़े से इंजर्ड हुए, पर कोई बात नहीं, सब बहुत ही बढ़िया। मीत अपनी बॉलिंग बहुत ही अच्छी तरह से, स्ट्राइक पर पार्थ मलकान, गुड बॉलिंग। पहली ओवर की समाप्ति, स्कोर एक। मीत ने अपना पहला ओवर बहुत ही अच्छा दिया है, एक रन। मार्विक्स की एक विकेट, एक रन का स्कोर पहली ओवर की समाप्ति पर। अब दूसरी ओवर कल्पेश आ रहे हैं और स्ट्राइक पर प्रियल है। दोनों टीम बहुत ही कस के अपने दो पॉइंट्स पाने में। फील्डिंग, कविन इंडिया के कैप्टन कविन ने बहुत ही अच्छी बेहतरीन फील्डिंग सजाई है। और ये प्रियल का पहला ही चौका, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन शॉट। प्रियल ने पहले ही चौके पर टीम का स्कोर बढ़ाते हुए पांच। कल्पेश अपनी दूसरी बॉल की तरफ, सेकेंड बॉल, और ये सफलता। ऋषभ ने आखिर में तीसरी बार अपना कैच पकड़ ही लिया। विनित, और विनित ने अपना खाता खोलते हुए एक रन बढ़ा दिया है टीम के लिए। बहुत ही सुंदर शॉट, ये है सिक्स। और अच्छी बैटिंग का प्रदर्शन पार्थ मलकान की ओर से। विनीत आए हैं स्ट्राइक पर, और ये लगा दिया है छक्का पार्थ मलकान की तरफ से, नहीं विनीत की तरफ से, सिक्स। और स्कोर हुआ है 19। दो ओवर की समाप्ति पर मार्विक्स अपना रन आगे करते हुए। निकेश आए हैं बॉलिंग पर, और पार्थ मलकान स्ट्राइक, ऑन स्ट्राइक पार्थ मलकान।
और ये पहली गेंद वाइड, अंपायर का इशारा वाइड का, और अच्छी साझेदारी, अच्छी सोच समझ से एक रन, पार्थ ने एक रन निकाला है। निकेश बेहतरीन बॉलिंग करते हुए, विनीत ऑन द स्ट्राइक, और बहुत अच्छा बॉल, बहुत बढ़िया बॉल, विनीत ऑन स्ट्राइक, और ये विनीत का लगा सिक्स, बहुत ही बढ़िया शॉट, बहुत सुंदर टाइमिंग, स्कोर बढ़ता हुआ 27 रन पर। मार्विक्स ऑन 27, थर्ड ओवर गोइंग ऑन, और ये वाइड, बॉलिंग पर प्रेशर, बॉलर प्रेशर लेते हुए, और ये कैच छूटा, बॉलर ने कैच छोड़ दिया है, कैच छूटा। वाइड, दो बॉल इस ओवर के बाकी, और ये आउट, बहुत ही सुंदर बॉलिंग, स्लो बॉल डाला, बैट्समैन चूक गए, कुणाल, कुणाल कैच, कुणाल ने बेहतरीन कैच पकड़ा है। विनीत आउट होते हुए, नए बैट्समैन प्रसाद, स्कोर हुआ है 29, तीसरी ओवर की आखिरी गेंद, स्कोर 29। निकेश की बेहतरीन बॉलिंग, और ये प्रसाद ने अपना खाता खोल लिया है, आखिरी गेंद पर एक ही रन आए हैं, स्कोर हुआ है 30 एट द फिनिश ऑफ थ्री ओवर्स एंड फॉल ऑफ थ्री विकेट्स। बॉलर नेम ऋषभ, नए बॉलर आए हैं ऋषभ, 30 स्कोर, 30 स्ट्राइक प्रसाद ले रहे हैं। इस वक्त मार्विक्स का पलड़ा भारी है, प्रसाद ऑन स्ट्राइक, और प्रसाद ने एक रन निकाला, थोड़ी सी उलझन रनर्स में, स्ट्राइक पर है पार्थ मुल्कान, और एक रन आता हुआ, टीम का स्कोर बढ़ते हुए 32, मार्विक्स ऑन 32। और ये मानव से मिसफील्ड, और प्रसाद का एक रन आता हुआ, स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, मार्विक्स की गेम क्लोजर, और ये बेहतर बॉल, बहुत अच्छी बॉल, बेहतरीन बॉलिंग ऋषभ के ओर से, बहुत बढ़िया बॉल ऋषभ की, बेहतरीन बॉलिंग इस ओवर में, ज्यादा रन नहीं आते हुए, और ये एक अच्छी बॉलिंग का प्रदर्शन करते हुए ऋषभ ने, स्कोर 33 चार ओवर पे। और मीर आते हुए बॉलिंग पर, दो ओवर में 20 रन की जरूरत, मार्विक्स स्ट्राइक पर है प्रसाद, बहुत ही एक्सपीरियंस प्लेयर है प्रसाद, अपनी टीम को जीत की ओर ले जाने में, और ये सिक्स, प्रसाद ने पहले ही मीर के बॉल पे सिक्स देते हुए स्कोर को बढ़ाते हुए अपनी टीम को जीत की ओर लेते हुए, बहुत अच्छी बढ़िया बैटिंग प्रसाद की। मीर अपनी दूसरी बॉल, और ये बहुत ही बढ़िया फील्डिंग कल्पेश के द्वारा, बहुत अच्छा, बेहतरीन फील्डिंग कल्पेश का, दोनों ही बैट्समैन बहुत ही खेल रहे हैं, और सूझबूझ कर अपनी टीम को जीत की ओर लेते हुए, और ये प्रसाद ने दिया और एक सिक्स, मीर की तीसरी गेंद पर लगातार दूसरा सिक्स, प्रसाद अपनी टीम को और जीत की तरफ, प्रसाद ऑन स्ट्राइक, और ये लगातार दूसरा सिक्स दिया है प्रसाद ने,
बहुत बढ़िया बैटिंग प्रदर्शन करते हुए प्रसाद का और मार्विक्स को लगातार तीसरा सिक्स इस ओवर में देते हुए जीत की ओर बढ़ते हुए बहुत ही करीब और शायद यही ओवर में मैच फिनिश करने की सोच लिए प्रसाद ने और ये आउट, प्रसाद आउट हो चुके हैं। दो रन चाहिए, दो रन। ओमकार आते हुए नए बल्लेबाज और ये एक रन ओमकार ने अपना खाता खोल दिया है। स्कोर्स लेवल, बहुत ही बढ़िया बैटिंग ओवर होते हुए स्कोर 52, पांच ओवर की समाप्ति पर आखिरी ओवर और स्कोर एक रन चाहिए जीतने के लिए और बैटिंग बहुत बढ़िया की है। हार जीत तो चलती रहेगी गेम इज ऑन और ये बेहतरीन फील्डिंग कल्पेश की, भले ही एक रन चाहिए लेकिन कविन इंडिया अपनी टीम को अभी भी चुस्त फील्डिंग की ओर। भाविक नए बॉलर हैं जिन्होंने एक बॉल कर लिया है, पांच बॉल में एक रन की जरूरत, ओंकार ऑन स्ट्राइक और ये मिस फील्ड करते हुए कुणाल ने मार्विक्स ने अपनी पहली जीत हासिल कर ली है। विनिंग शॉट ओंकार कैप्टन की ओर से, बहुत ही बढ़िया मार्क मलकान। पार्थ मलकान इस मैच के मैन ऑफ द मैच, तीन विकेट हासिल करते हुए और नौ बॉल में नौ रन, नॉट आउट। और पार्थ मलकान, प्रसाद ने अपनी बेहतरीन बैटिंग की, 21 रन बनाए थे, उन्होंने भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी। अगला मैच है ट्रोजन्स और वुमेन्स डायमंड्स का टॉस जीता है बैटिंग। कोई कम नहीं, वैसे सारी टीम्स बहुत ही बैलेंस्ड है।